जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय सभा कक्ष में कोरोना टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि टीकाकरण के बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं और सबसे ज्यादा फोकस टीकाकरण को लेकर शहरी क्षेत्रों में है। साथ ही ये भी कहा कि विशेष अभियान के तहत पूरे नगर निगम क्षेत्र और अन्य नगर इकाई को भी 31 जुलाई से पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। 24 तारीख से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड करने वाले हैं, तीसरी लहर से बचाव की क्या है? देखिए, COVID-19 से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण हथियार और उपाय टीकाकरण है, और टीकाकरण अभी तक जिले में हम लोगों ने लगभग 24% कर दिया है। हम लोग विशेष एक अभियान के तहत पूरे नगर निगम क्षेत्र को एवं अन्य नगर निकायों को भी 31 जुलाई के पहले 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है, और इसके लिए 4 अर्बन PSC में 4 स्पेसिफिक टीम हम लोगों ने बनाई है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर्स, MYC और अन्य BHM को प्रतिनिधित्व किया गया है, और प्रत्येक के जिम्मे एक एक वार्ड हम लोगों ने, हर एक वार्ड में 49 वार्ड हैं, 49 वार्ड में 49 टीम हम लोगों ने गठित की है, एक वैक्सीनेटर और 2 ऑपरेटर, और इन लोगों के माध्यम से 31 जुलाई के पहले, यानी कि एक सप्ताह के पहले, हम लोग 100% वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स का हम लोग सहयोग हम लोग ले रहे हैं, जिसमें वार्ड मेंबर, आंगनबाड़ी सेविकाएँ, विकास मित्र, आशा एवं अन्य तमाम लोग हैं जो कि सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 49 जो चल रहे हैं ये तो चलेंगे, इसके अतिरिक्त 25 टीम और भी चल रही है, कुल 75 टीम के माध्यम से पूरे शहरी क्षेत्र को हम लोग 100% वैक्सीनेट कर रहे हैं। करीब 80,000 लोगों को और वैक्सीनेट किया जाना है, और हम लोग लक्ष्य रख रहे हैं कि प्रत्येक दिन 15,000 के माध्यम से 5 से 6 दिनों में इसको कम्प्लीट करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो लोग हैं ये एक ही टीकाकरण स्थल हैं, इसको हम लोग निश्चित रूप से करा लेंगे, और ये टीकाकरण अभियान जो चल रहा है ये 24 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 24 तारीख से यह स्टार्ट हो रहा है, और टीका की उपलब्धता लगातार निरंतर रहेगी, जिसको विद इन 31 जुलाई हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। एक वीक में कम्प्लीट करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, और टीका की उपलब्धता बनी रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग इसको एक वीक में पूरा कर लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मुरौल प्रखंड को एक सप्ताह में करने का लक्ष्य रखा था, और टीका की उपलब्धता के हिसाब से उसको 8 दिनों में हम लोगों ने पूरा कर लिया था। और जिस तरह से मुरौल जिले का प्रथम प्रखंड बना है, बनकर उभरा है, जो 100% टीकाकृत है, उसी रूप में हम लोग मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र को 100% 21 जुलाई के पहले टीकाकृत करते हैं। सर, क्या क्या तैयारियां की गई है? लेकिन थर्ड अभियान को, यदि थर्ड कोई वेव एज सच जो बातें चल रही हैं अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, परंतु हम लोग लगातार अपने जो टेस्टिंग है टेस्टिंग को बढ़ाकर हम लोगों ने 7,000 तक किया है, कि अचानक कोई हम लोग सरप्राइज ना हो जाए कि अचानक कहीं से केसेस निकल गए। इसलिए टेस्टिंग की संख्या हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं, ताकि हम लोगों को पॉजिटिविटी रेट का अंदाज़ा मिलता रहे। अभी 7,000 भी टेस्ट कराने पर 2 से 3 हम लोग को पॉजिटिव मिल रहे हैं, जो नेगलिजिबल हैं, लेकिन टेस्टिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमने अपने संसाधनों को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। हम लोग ऑक्सीजन प्लांट एक ऑलरेडी सदर अस्पताल में स्थापित कराया गया है, एक मेडिकल कॉलेज में स्थापित कराया गया है, इसके अतिरिक्त 3 और ऑक्सीजन प्लांट, एक पारू में, एक कांटी में, और एक और एडिशनल प्लांट सदर अस्पताल में हम लोग ऑक्सीजन का लगवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक PSC में 10-10 बेड हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ सभी जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। PSC के सभी तमाम चिकित्सा पदाधिकारियों और नर्सेस को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। ये सारी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित यदि कोई इन्फेक्शन प्रारंभ होता है तो उससे हम लोग आसानी से हम लोग लड़ाई कर सकें।